Yes, greetings of the dear students. Today we are going to start our next part of tense. Present indefinite tense was completed, its formation and structure was completed, and now I'll tell you uses of present indefinite tense. देखिए कहाँ यूज होता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का टू एक्सप्रेस द इवेंट एट प्रेजेंट जो प्रेजेंट में इवेंट है ठीक है जैसे मैं स्टडी करता हूँ मैं पढ़ता हूँ मैं खेलता हूँ मैं लिखता हूँ ठीक है तो ये जो प्रेजेंट में इवेंट होती है इसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है जैसे मैं कहूँ आई स्टडी एट गुड डिफेंस स्कूल ठीक है अब देखो मेरा प्रेजेंट क्या है कि मैं गुड डिफेंस स्कूल में पढ़ती हूँ ठीक है तो मैंने यहां क्या यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या अगर मैं कहूँ आई राइट चलो मैं ही से थर्ड पर्सन से बना देती हूँ ही राइट्स लेटर्स ठीक है या ही राइट्स बुक्स इट मींस क्या है कि वो पत्र लिखता है या ही राइट्स बुक्स वो बुक्स लिखता है इट मींस उसका प्रोफेशन है बुक राइटिंग का वो एक राइटर है ठीक है इस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर नेगेटिव में है तो वो जैसे आपको बताया था अगर राइट्स है तो हम डच ओपन करेंगे अगर राइट लिखा हुआ है तो डू ओपन करके बाहर निकाल लेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ठीक है इनकी फॉर्मेशन मैंने स्ट्रक्चर आपको कल बता दिया था आज आपको यूजेस बता रही हूँ नेक्स्ट देखिए टू एक्सप्रेस डेली रूटीन डेली हैबिट को बताने के लिए या जो आपका डेली रूटीन है उसको बताने के लिए हमें किसका यूज करना होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का जैसे मैं कहूँ राजू गोज फॉर वॉक डेली वो राजू डेली वॉक पे जाता है राजू गोज फॉर वॉक डेली या फिर मैं कहूँ शी स्टडी बुक्स फॉर टू आवर्स डेली वो हर रोज दो घंटे बुक्स रीड करती है She studies books for 2 hours daily. वो हर रोज दो घंटे के लिए बुक्स रीड करती है तो ये क्या है उसका डेली रूटीन है अगर मैं कहूँ मैं डेली स्कूल जाती हूँ डेली की हैबिट शो करते हैं ना मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो वो भी आपकी डेली की हैबिट शो करता है ना मैं डेली सुबह 4 बजे उठता हूँ तो वो भी आपकी डेली की हैबिट शो करता है डेली का रूटीन शो करता है तो उसके लिए हमें किसका यूज करना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ठीक है नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ जनरल ट्रूथ जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कह देते हैं जैसे मैं कहूँ वाटर फ्रीज एट 0 degree ठीक है पानी है जो वो किस पे होता है 0 degree पे जम जाता है पानी 0 degree पे जम जाता है वाटर फ्रीज एट 0 degree पानी 0 degree पे जम जाता है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ठीक है नेक्स्ट देखिए जैसे यहां मैं आपको कहूंगी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है ये भी ट्रूथ है 2 and 2 make 4 ये सेंटेंस तो बहुत बार पूछा गया देखो मैं ये आपको लिखवा देती हूँ यहाँ 2 and 2 make 4 2 और 2 4 होती है ठीक है अब ये जो है जो ये आपको 2 and 3 भी दे सकता है 4 and 5 भी दे सकता है ठीक है वो आगे जितना आपके डिजिट बनती है 4, 5, 6, 7, 8 वो ऐसे सेंटेंसेस में हम कई बार कंफ्यूज हो जाती हैं ठीक है ऐसे में कंफ्यूज नहीं होता ये भी जनरल ट्रूथ में होता है जनरल ट्रूथ मान लो या साइंटिफिक ट्रूथ मान लो इसको कि ये रियल में होते हैं 2 और 2 अगर हम प्लस करके देखेंगे तो ऐसे सेंटेंसेज में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है ठीक है नेक्स्ट है न्यूज़पेपर हेडलाइन यहाँ बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं हमें होता है कि न्यूज़पेपर में तो बाद में इवेंट छपेगी ना जो कुछ होगा मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ वहां 2 मरे या 2 घायल हुए है ना तो हम कहते हैं कि वो तो पहले हो गए बाद में न्यूज़पेपर में न्यूज छपेगी तो हम पास्ट में लिखेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है ठीक है अगर मैं कहूँ इंडिया
डिफिट फिट्स पाकिस्तान बाय 5 runs. ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को कितने रन से डिफीट किया? 5 रन से, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग कह दो कि नहीं मैडम इसमें तो पहले से ही हो गया, तो पास्ट की इवेंट इसमें बताई जा रही है, चाहे पास्ट की ही बताई जा रही है, इस बात से हम सहमत हैं कि जो वक्त हो चुका होता है उसके बाद की न्यूज न्यूज़पेपर में आती है, पर उसकी हेडलाइन में आपको ये जो है ये प्रेजेंट टेंस ही शो करना होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना कि पास्ट हुआ तो हम सेकंड को हम लगाएंगे, नहीं, इंडिया डिफीट पाकिस्तान बाय 5 रन्स। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस अ कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइस, जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं, है ना। इनमें हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस बेस फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे मैं कहूँ गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दे दो। डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो इनमें क्या आता है, ये कंपैरेटिव और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी होती है, मींस टू से हमें क्या करना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। क्लियर, अगर इनमें आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे देती हूँ, इसके बाद इरेज कर दूंगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस बेटा, इन कंडीशनल सेंटेंसेस और क्लॉजेस, या फिर हम इनको कंडीशनल क्लॉजेस को क्या बोल सकते हैं, इफ क्लॉजेस। जैसे इनमें भी इफ क्लॉजेस में जब वो प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाता है तो उसमें हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए, चाहे ये फ्यूचर को सिंपल टेंस वाले पूछे जा रहे हैं या फिर फ्यूचर परफेक्ट वाले भी पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको हर तरह से क्लियर कर दूंगी। स्टार जहां लगा होगा ना, इट मीन्स वो कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो वहां आप लोग पहले से ही स्टार लगा लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, यदि आप मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए ये इफ है, इफ क्लॉज है, ये अलग है क्लॉज, ये अलग है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 वर्ड्स होती है, उसमें को 2 क्लॉजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये इफ क्लॉज है, इफ यू वर्क हार्ड, ध्यान रखना जो इफ वाला क्लॉज है जिसमें इफ आता है उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है वर्क हार्ड, और जो हमारा रिजल्टेड होता है उसमें हमें विल मीन्स फ्यूचर टेंस यूज करना होता है। ये मैं आपको फ्यूचर टेंस में समझा दूंगी, पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो इफ वाला सेंटेंस है, इफ क्लॉज है, ये जो इफ वाला क्लॉज है इसमें हमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस वेल, अगर तुम अच्छी प्रैक्टिस करोगे, यू विल विन द रेस, विन द कंटेस्ट। ठीक है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप कॉन्टेस्ट को जीत जाओगे। और देखिए इफ क्लॉज ये है, ये अपने पास कंडीशन रख रहा है, जो क्लॉज कंडीशन रख रहा है उसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट मींस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और जो रिजल्टेड क्लॉज होगा उसके लिए हमें सिंपल फ्यूचर का यूज करना है। ठीक है, और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए, ये बहुत बार पूछा गया और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा। ये देखिए सेंस और प्रोवर्ब्स, हम जिसको हिंदी में कह देते हैं कि कहावतें हैं। ठीक है,
sayings and proverbs which refer to permanent truth. ऐसी कहावत या प्रोवर्ब लोकोक्तियां भी जिनको हम कह सकते हैं, कहावतें भी कह सकते हैं, जो परमानेंट ट्रूथ को रेफर कर रही हूं, वही सभी सेंस में नहीं, जो परमानेंट ट्रूथ जो हम बदल नहीं सकते उसको जो शो कर रही है उसके लिए हमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। जैसे मैं कहूँ स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस, इट मीन्स जो धीरे धीरे और धीरज के साथ, पेशेंस के साथ काम करता है वो क्या होता है, रेस में जीत जाता है। जो खरगोश और कछुए की कहानी है ना, उसमें बताते हैं कि कछुए धीरे धीरे चलता है, पेशेंस रखता है कि कभी ना कभी तो जीतेगा, है ना। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे और पेशेंस के साथ चलने वाला पर्सन क्या होता है, रेस को जीत जाता है, है ना। अब देखिए दूसरा दिखाई दे रहा है क्या अच्छी तरह से, हाँ जी। नेक्स्ट है इन रनिंग कमेंट्रीज, कोई मैच वगैरह चल रहा है उसको हम शो कर रहे हैं कि किसने किसको बॉल दी, क्या हुआ आगे, किसने किसको मारा, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, प्रेजेंट टेंस का। अगर मैं लिखूं राहुल पासेस द बॉल टू रमेश, he hits, उसने हिच किया and take a run, और उसने एक रन ले लिया। अब देखो हम अगर रियल में माने तो पहले उसने पास किया, हम सोचते हैं कि पहले उसने बॉल को फेंक दिया, फिर रमेश ने उसको हिच किया और फिर उसने एक रन ले लिया, है ना। हम क्या करते हैं कि ये तो आगे पीछे हुआ है, इसको सीरीज में देखें तो पहले ये काम हुआ है, फिर वो हुआ है, फिर वो हुआ है। कई बार अपने जो थिंकिंग है उसको बहुत ज्यादा डीप में ले जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये मैच चल रहा है, इसकी कमेंट्री हो रही है, इस टाइम हमें प्रेजेंट का ही यूज करना, चाहे वो बॉल आगे दे दे, हरा दे, जीत ले, है ना। जो प्रेजेंट में कमेंट्री चल रही है वो इंग्लिश में हमेशा प्रेजेंट में ही होती है, प्रेजेंट टेंस में ही होती है, या सिंपल प्रेजेंट हम कहें इसमें होती है, ठीक है। ये देखो और ये यहाँ कॉमा लगा के ही हिट्स टेक अ रन, ठीक है, या अगर कोमा नहीं लगाओगे तो कोमा लगा के फिर आप ही भी बार दोबारा से यूज कर सकते हो। समझ आया ये रनिंग कमेंट्री जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, या कोई क्वेश्चन होता है परमानेंट से, ये क्लासेस के जो स्कूल लेवल के लिए है और यहां एक दो जगह से कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा देखिए ये जो न्यू रूल है इसको थोड़ा समझ लेना, न्यू तो नहीं कह सकते पर मोस्टली सोचने की चेस्ट करवाया है स्टूडेंट्स के लिए है। कंटिन्यू जो मैं आगे खुद कंटिन्यू का मीनिंग दे, वैसे हम कहते हैं कि लगा बसो है वो लगा पादर हुआ है, लगातार बताने क्या वैसे ही अच्छी लगे अभी का चैनल को शेयर करना है, मुझे मेरी बेस्ट रही जो कंपटीशनल एग्जाम्स हैं या फिर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी वीडियो ज्यादा सा और प्राइवेट जो ऑलरेडी कंप्लेन करता है कि चलाएंगे या ट्यूशन वगैरह या गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं ट्यूशन करना चाहते हैं, तो इसे हम स्टूडेंट्स का ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो भी इस तरीके का उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेने का ऐसा लगे तो इसी नाम से मैं धर्म सचिन नाम से उसको मोबाइल पे कर सके और मैं आप जो है सकते हो ये वीडियो ले सकते हो, ठीक है, थैंक यू।